लिखा है खत खून से स्याही मत समझना, रोज मरता हूँ तेरी याद में जिंदा मत समझना। तगड़े वाला चक्कर चल रहा है यार, कंगन आ रहे घर पे, वो भी सोने के। कौन ऐसा बंदा जो ऐसी बातें लिख सकता है, बोल सकता है? हाँ वही है, वही बंदा है जिससे तू प्यार करती है, जिससे के लिए तू मरती है। आपको नहीं होना क्या तैयार? हो जाओ यार, उठ जाओ, तैयार हो जाओ। बार अच्छी है ना? सही लग रहा है। हो रहा है यार, रुक जा भी। दिखा देता। मैंने इतनी बातें को बोला तो ऑयल लगा के करा कर, तो बाल सही रहेंगे। A few moments later. यार देखो कुछ कोई सब लोग आने लग गए, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक। इतनी देर हो गई कहते हुए। बाल मत खराब करियो, थोड़ी देर में इसके ऐसे झुंझुड़े से हो जाते हैं। अरे देख ले, खोल दे जल्दी, कौन है? सही है, देखना एक बार। हाँ सही लग रही है, अच्छी लग रही है। आप तो उठ जाओ, अच्छी लग रही है। कभी ये फोन तो छोड़ दिया करो, जब देखो। अरे तू तैयार होगी तो काफी है यार, हमारा क्या है? क्या तो तैयार हुए हुए ना हुए ना सही, दिवाली तो देने जाना है। नहीं कोई अंकल आए, ये देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं? पता नहीं कुछ तो है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या देखे गए? पता नहीं क्या देखे गए हैं, कोई अंकल कह रहे थे, कहते मम्मी को दे दो। ले क्या है? क्या है? क्या ये देखो, अब देखो दिवाली का है क्या? कुछ क्या है वो दिए भी जलाने, शाम हो गई है। चिट्ठी लिखी है इसके अंदर यार। हैं? चिट्ठी लिखी हुई है। क्या चिट्ठी लिखा है? खत खून से स्याही मत समझना, रोज मरता हूँ तेरी याद में जिंदा मत समझना। दिखाओ तो सही। मेरी प्यारी शीनू, मेरा है ही नहीं है, किसी और का ले आया। ताशी देखे आया, किस कौन देखे गया? ये मेरी प्यारी शीनू लिखा हुआ है। तो शीनू मैं थोड़ी हूँ, मेरा नाम शिवानी प्लस अन्नू लिखा हुआ उसने भाई। शिवानी, शिवानी का शी और अन्नू का अन्नू, शीनू दिखा। मेरी एक भी रुक जा। अच्छा दिखाओ तो कहा लिखा है ये देखो। लिखा लिखा है, मेरी छोटी सी खता की इतनी बड़ी सजा दे गई, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने एक अनरोमांटिक आदमी से शादी कर ली। रोज मैं बेशक मर रहा हूँ पर जिंदा तू भी नहीं। कौन बदतमीज है ये? क्या है ये बेवकूफी? पागल पागल हो गए? मेरा नाम उससे क्यों लिखा है पहले तो मेरे को ये नहीं समझ आया। क्या तक तरीका है यार कि जिंदा तू भी नहीं, रोज मैं मर रहा हूँ यार। मुझे पता है कि तुम कभी भी खुश नहीं रहती हो, हमेशा उखड़ी उखड़ी रहती हो। बात तो सही है। बात तो सही है, लिखी है। अरे कोई सही बात नहीं है, किसी और के लिए लेटर है यार। लड़की लड़की का है? अरे लड़की लड़कियों वाली बात है, मेरे लिए रहती है हमेशा उखड़ी उखड़ी तो रहती है। और इसकी एक ही वजह है, वो नकारा निकम्मा और बदशकल बदसूरत आदमी। यार क्या बदतमीजी है ये? कौन है ये बदतमीज? तेरी जान पहचान का ही होगा ना, जो मेरे को भी जानता है। तो मेरे बारे में तो लिखा और किसने? नकारा बचपन बसुरा आदमी जिसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। लफा चलो छोड़ो, बताओ ये तुम क्या पढ़ रहे हो और क्यों विश्वास कर रहे हो? कौन लिख के? मुझे क्या पता किसने लिखा है? कोई देखे गया ना घर पे ही देखे गया ना। फाड़ के इसको डस्टबिन में तो दे, पूरा डस्टबिन में फेंक दो। डस्टबिन में फेंक दो, मेरे हाथ लगे तो डस्टबिन में फेंक दो। चलो छोड़ो, मुझे पता है आज तुम छोटी दिवाली पर तैयार होकर बैठी होगी। तैयार होके बैठी हुई है यार तू? छोटी दिवाली पे तो सब तैयार होते हैं। और तुमने मेरा फेवरेट मैरून कलर का सूट पहना होगा। ये फंस गया सी है। एक मैरून कलर कैसे पता चल सकता है यार किसी को? मेरा दिया हुआ मोतियों का सेट भी पहना होगा। ये मैं खरीद के लाई थी मोतियों का सेट। यार बाबू ये पता है कौन है? मैं आपको बता देती हूँ, ये गली मोहल्ले का ही कोई इंसान है, क्योंकि मैं छज्जे पे गई थी। तुमने तो सेट पहना हुआ है यार। यार तो मैंने एक हाथ में चूड़ियां और दूसरे हाथ में कंगन पहने होंगे। कोई दिखाइयो दूसरा, दिखा
एकदम सच लिखा हुआ है यार। सच कैसे? वो क्या मेरे को एक्सरे मशीन, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई फोटो नहीं खींची, कोई कहीं डाली नहीं, तो कैसे इस बंदे को पता है? ये कोई नीचे आस पड़ोस का बंदा है? खास कोई पता होता ना ये बात, ये बात तो मुझे नहीं पता। एक हाथ में चूड़ी है, दूसरे में कंगन पहना हुआ है यार। किसी आस पड़ोस के बंदे सामने तो दिखाए भी नहीं। प्लीज मैं किसी आस पड़ोस के बंदे, तुम मेरे पे इतने शक कर रहे हो यार, हद ही हो गई है। विश्वास करो ये सब बेकार है, इसको फेक हो यार। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या है, उस नकली कंगन को उतारो और मेरे दिए हुए असली कंगन को पहनो। क्या क्या देखे दे? असली कंगन मतलब ये सोने के कंगन तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा देंगे। तुम्हारे आगे कोहिनूर हीरा भी फेल है, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा नाम बताने की जरूरत नहीं। नाम क्या क्वेश्चन मार्क लगता है यार, कोई मजाक कर रहा है, कोई बेवकूफी, ये कोई कोई बात होती है? ऐसे कोई लेटर लिख देगा और तुम ऐसे शक भरी नजरों से मुझे देखोगे, मुझे कितना बुरा लग रहा है। ये कैसे कंगन, कोई सोने के कंगन भेजता है क्या यार? तो किसी ने मजाक किया यार, कोई आस पड़ोस का बंदा है और किसी ने जान की हरकत करी है। उसने मेरे को छज्जे पे देखा होगा। नहीं था यार, तुम इसे इतना चाहता हो कर रही है, मतलब किसी से बदला लेने की तुमने मुझसे शादी करी है? यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, 19 साल की उम्र में तो मैंने शादी कर ली है, 19-20 साल में तुम मुझे मिल गए हो, मैं कब किसी से किससे बात करी होगी मैंने यार? और मैं किससे बात करती हूँ तुम्हें नहीं पता चलता क्या? वैसे ही सारा दिन कोई बंदा अनजान बंदा कंगन दे देगा क्या सोने के? वो भी चार चार कंगन, 1,00,000 रुपए का एक होगा कम से कम। ये कैसी बात कर रही है, तुम्हें को धोखा दे रही है और बता भी नहीं रही है यार। मैं तो मेरे हाथ सबूत लग गए। मैंने बात सुनो, तुम इतना टेंशन में क्यों आ रहे हो? दिवाली का दिन, किसी ने जान के मजाक किया है, दिवाली का दिन है, किसी ने जान के मजाक किया, मेरी बात समझो। जान के मजाक में कोई सोने के कंगन दे देता है क्या यार? मेरे को नहीं चाहिए कोई सोने के कंगन, बाहर फेंक देते। किसी और के लिए लिखा गया, शीनू लिखा था ना, वो किसी और के लिए लिखा है। इसको कैसे पता होगा यार, तूने ये पहना हुआ है, तूने मैरून का सूट पहना हुआ है, तूने उसको दिखाने के लिए सूट पहना है, इसका मतलब तेरी रोज बात होती है यार। शादी करी है, मतलब तूने किसी को सबक सिखाने के लिए मुझसे शादी की है, इसका मतलब किसी से प्यार करती थी उसको धोखा देने के लिए? यार एक बार बताओ, शादी के इतने साल बाद ये तो ये क्यों लिखा कि बदसूरत बदशकल आदमी से शादी करी? तुम अपने आप को खराब समझते हो क्या यार? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूं। खराब जो उसने ये बातें लिखी है लेटर में, इसका मतलब देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसी बातें करके ना मेरा दिल मत दुखाओ प्लीज। एक जरा से लेटर के पीछे आप मेरे से बहस कर रहे हो, मैंने फोन भी नहीं उठाया, सो मेरे को टाइम ही नहीं मिला सुबह से। तो मेरे पीछे ऐसे काम कर रही होगी है? मैं सच बता रही हूँ, इस मोहल्ले में किसने करा ना, अगर मेरे को पता चल गया ना, मैं हड्डियां तोड़ दूंगी इस इंसान की। और ये जान के किसी मोहल्ले वाले ने किया? मोहल्ले वाला क्यों करेगा? ऐसे ये कंगन असली नहीं होंगे, सब ऐसे दे दिया जान के करा। रईस आदमियों के एरिया में रहती है जहाँ पर अमिताभ बच्चन शाहरुख खान रहते थे, कंगन गिफ्ट कर देंगे ये 5,00,000 रुपए कंगन देखो ऐसे गिफ्ट कर देंगे मोहल्ले वाले, 5 रुपए नहीं निकलते इनसे। असली नहीं होंगे ये, ऐसे होंगे दिखाना। चमक ये बता रही है इनकी असली है, असली नहीं होंगे। वो तो कह रहे सोने तेरे सामने कोई नहीं रोला भी फेल, और तू कह कंगन लग तो असली रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे मामू। नहीं लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, तुम इसको जिसके भी होंगे मैं वापस कर दूंगी। नहीं बात सुनो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई कंगन वंगन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ किसी ने जान के करा है। मेरे को तूने मेरी जिंदगी खराब करी, मैंने अपनी जिंदगी खराब करी, और उस बंदी की भी जिंदगी खराब करी जिससे तू प्यार करती है। मैं किसी से प्यार नहीं करती यार, फिर तुम गलत, तू मेरे साथ खुश नहीं है ना, तो तुम गलत डायरेक्शन में चौकड़ी रहती है ना। ये बात उसको कैसे पता कि तू खड़ी रहती है?
बाहर के बंदे को कैसे पता होगा, मतलब तू उसकी अपने सामने दिल खोल के रख देती होगी कि हाँ तू उखड़ी खुड़ी रहती है, तेरे को अच्छा नहीं लगता, तू मेरे साथ जबरदस्ती रह रही है। मैं कोई उखड़े नहीं रहती है, मैं खुश तो रहती हूँ यार, वो तो कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है बंदा। जबरदस्ती रह रही है तू मेरे साथ, ना खुश होके रह रही है, मैं कैसे। तुम स्ट्रेस मत लो यार, स्ट्रेस मत लो यार, तुम मेरे को पता है मैं यार हम अच्छा खासा हमें दिवाली देने के लिए जा रहे थे, मैं इसके लिए दिवाली बन गई मेरी यार, दिवाली पे पता लग गया, चल ठीक है यार। अब तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, तलाक चाहिए तुझे यार, हद हो गई यार, कैसी बातें बोल रहे, तलाक चाहिए। तू मुझे साफ साफ बोल देती थी कि मैं तुमसे ना खुश हुई, तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो यार। मैंने तुमसे लव मैरिज करी है, जरूरतों से अपने आप से प्यार किया, मुझसे प्यार किया होता तो ऐसी चीजें सामने नहीं आती मेरे। मैंने सोने के कंगन के प्यारे तेरे को यार, यार तुम इतने नाराज हो गए यार, तुम्हें तो इस चीज में और गुस्सा होना चाहिए, तुम्हें बदला लेने के लिए जाना चाहिए कि ऐसा कौन है जो ऐसा लिख सकता है, कैसा कौन है जिसने लिखा है, तुम्हें ये पता लगाना चाहिए। तुझे कंगन नहीं दिला पा रहा ना, मैं तुझे कंगन नहीं दिला पा रहा तो तेरे को कंगन बाहर से गिफ्ट मिल रही है। उफ यार, सूट भी तेरे को उसने दिया होगा, क्यों क्या होगा, सूट कैसे पता उसको यार, कैसे पता लग गया उसको मेहरून कलर का सूट। एक बात, मैं छत पे गई थी आज सुबह, या तो छत पे सोती है अपने पास। उसने दिया, उसने दिया, कोई है ही नहीं जब। छोड़ यार, छोड़ जा, कोई गुस्सा नहीं करना, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को पता मैंने तेरी जिंदगी खराब करी है, मेरे को पता मेरी वजह से कुछ नहीं रहता। ऐसे क्यों फील कर रहे हो यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम ऐसे फील कर रहे हो, जबकि कोई बात ही नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि कोई बात ही नहीं है। तो उसको बोल कि भाई मेरा पति तैयार है, हम दोनों के बारे में उसको पता लग गया, जहाँ साइन कराने मेरे से करा लियो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, मैं तेरे रास्ते काटा नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, कोई कबाब क्या, कोई दाल भी नहीं है यहाँ पे, हाथ हो गए यार, मैंने किसी से बात नहीं करी, प्लीज मेरी बात को समझो। अरे बात क्या है, तुम्हारे तो चक्कर चक्कर बहुत तगड़े वाला चक्कर चल रहा है यार, कंगन आ रहे घर पे, वो भी सोने के। मेरे को नहीं पता था आशीन कहाँ चली गई है, वो कौन लड़का, कौन इंसान था, कौन आदमी था तुझे देख के गया ये, मैं हड्डियां तोड़ दूं उसकी। वो तो चला गया, इतनी हिम्मत तो उसी की होगी ना, जो प्यार करता होगा वही घर पे आएगा कंगन देने के लिए। उसको कैसे सब पता है तेरे बारे में, तूने क्या पहना है क्या नहीं पहना, किस कलर में लिपस्टिक लगा रखी है, सब मालूम है। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता मेरी बीवी के बारे में इतना कुछ, और पता नहीं किसको पता यार। सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बाबू इस बात को पता करने की कोशिश करो, मैं सच कह रही हूँ, आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलके पता तो करें कि कौन है, पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ उसकी, ऐसा किसकी हिम्मत हो गई। अरे दिखाओ करने का कोई फायदा नहीं है, मेरा हाथ छोड़ दे, हमेशा के लिए छोड़ दे यार, बस मैं तू साइन करा दे, जानते हो करा, मैं नहीं झेल सकता भाई, तू दिल से तो किसी और के साथ है। और यहाँ पे तू किसके साथ हो गई, तुम मेरे को ये बोल रहे हो, बहुत कि मैं दिल से किसके साथ हूँ, मैं इतना प्यार करती हूँ और तुमसे छोटी छोटी चीज में तुम्हें मेरा प्यार नहीं नजर आता। ये प्यार कर रही है तू? हाँ। हैं? हमेशा उखड़ी उखड़ी चिड़ी चिड़ी रहती है, तू अपनी जिंदगी काट रही है, खुश नहीं है तू कभी भी, खुश ये बात तो उसने लिख दी है। मैं खुश रहती हूँ लेकिन कई बार ऐसा होता है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़ के बोल देता है सॉरी यार, शादी करके आज की बात नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी, बस शक्ल बस सूरत आदमी शादी करके तो फर्स्ट क्या ना, तूने उसको बोला होगा कुत्ते ने लिखी कैसी है, तोड़ दूंगी जाके, मेरे को पता चल जाएगी गली में से कौन सा बंदा है, और मुझे ये पक्का पता है ये गली का ही कोई बंदा है, क्योंकि मैं छत पे गई थी और छज्जे पे गई थी, ना तो मैंने फोटो खींची, ना मैंने कोई रील बनाई, ना मैंने कुछ बनाया, किसी को कैसे पता तो मैं सोचती हूँ कि गली का कोई बंदा होता है, 5 लाख रुपए कंगन तेरे को कैसे पकड़ाया था, 4-4 कंगन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, त्योहार वाला दिन है और आप इतने टेंशन में बैठे हो, इतना सब कुछ हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पक्का नहीं पता, सॉरी यार प्लीज। अच्छा ठीक है, हम निकालते हैं ना इसका सॉल्यूशन, निकालते हैं ना यार इसका सॉल्यूशन, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यार, तुम मेरे से साइन ले ले, जानते को ले ले यार, मैं पागल हो गई हूँ क्या, साइन ले ले, साइन ले ले, मैं किसी को जानती नहीं, मुझे पता नहीं, पागल था, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं तेरे से प्यार करता था लेकिन मुझे क्या पता, मैं अभी पुलिस
सिर्फ ये प्यार एक तरफा है जो मैं तेरे से करता हूँ, तू मुझसे नहीं करती। पर तुम कैसी बातें कर रहे हो, एक गंदे सड़ा सा लेटर तुम्हें ये बताएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती, ये बताने की जरूरत पड़ रही है। की बातें लिखी हुई है इसके अंदर, तुझे पता है मेरे दिल की कौन सी बात लिखी है जो तूने दूसरे आदमी से करी है? वो सिर्फ लिखा तेरे को, पढ़ मैंने लिया है। मेरे को, मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं करा यार, मैंने किसी से प्यार नहीं करा तुम्हारे अलावा, किसी को सोचा नहीं, किसी को रखा नहीं। तुम छोड़ यार, छोड़, मेरे कैरेक्टर के ऊपर शक कर रहे हो यार तुम ऐसे, मुझे पता है कितना फील हो रहा है। ये कैरेक्टर की बात आ रही है, और किसकी बात आ रही है? मैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा मतलब मैं किसी से बात नहीं करती और फिर आप मेरे ऊपर प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन प्यार यार करते हो तो उससे शादी करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी किसी और से करो और प्यार किसी और से कर रहे हो तुम पहले से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कौन है वो, कहाँ है वो, और इसकी राइटिंग है, ये राइटिंग पहचानो किसकी है, तुम्हें पता तो करो ये कौन है जिसने ये सब लिखा है। प्लीज मेरी बात समझो, एक बार पता करो ये कौन कौन लिख सकता है, ये खून से खत लिखा बोल रहा है, तुम्हें खून लग रहा है, कोई बेवकूफ बनाना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी, इसको दिखाऊंगी, पता लगाऊंगी, प्लीज समझ नहीं। पुलिस स्टेशन जाके क्या फायदा है यार, तो तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? तलाक चाहिए ना, मैं देता हूँ तेरे को तलाक, मैं दूंगा तुझे यार। तुम क्यों तलाक पे कहां से बात आ गई मामू, प्लीज मेरी बात समझो, मुझे नहीं पता कि कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन जान के हरकत कर रहा है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना शुरू से, तुम्हें अब तक इतनी बार बातें हुई, कुछ भी हुई, कोई भी लड़ाई हुई, लेकिन कभी तुमने ये नहीं कहा कि मुझे तलाक दे दे, मुझे तलाक दे दे, आज तुम ये बात बोल रहे हो मुझसे। मैं तलाक की बात नहीं कर रहा, मैं तो तेरे को छुटकारा, आजादी देना चाह रहा हूँ कि तू आजाद हो जाए यार, बस। नहीं समझ आ रहा कि कौन ऐसा बंदा जो ऐसी बातें लिख सकता है, बोल सकता है, ये काम एक ही कमीना कर सकता है। मुझे पता है कौन है, कौन है? मेरे को पता है भाई कौन है जिससे तू प्यार करती है, या फिर तुम वही वाली बात घूम फिर के आ गए? हाँ वही है, वही बंदा है जिससे तू प्यार करती है, जिससे के लिए तू मरती है। नहीं करती, तू करती है, तू करती है, तू करती है, तू प्यार करती है, दिल से उससे प्यार करती है, उसने ही लिखा हुआ है, उसने ही लिखा है, वही पता है यार, मैं बता रहा हूँ यार, तू जिन दिल जान से उससे प्यार करती है, मरती है उसके पीछे। यार तुम फिर बात गलत कर रहे हो, मैं नहीं करने की, मैं करती है, तू उसने ही लिखा जब मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे, पता नहीं कौन है, मुझे तो पता लग गया कि कौन है, तुम बताओ फिर कौन है जिससे तू प्यार करती है, जिसपे तू मरती है। तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी किसी से बात नहीं होती, मैं किसी को फोन नहीं करती, पता तू किससे प्यार करती है? किसी से नहीं करती, मैं तो प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ। तो मैं बोलता रहा हूँ, ये वही है, वही कमीना है जिससे तू प्यार करती है, जिसपे तू मरती है, वरना कौन 15 साल पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी चलाएगा? मैं हूँ, ये 500 रुपए का जोड़ा मिल रहा था तो मैं तेरे 4 लेके आया था, मेरे चलते का सरप्राइज करके गिफ्ट देता यार, ये कैसा सरप्राइज है, ये क्या तरीका, ये वो बंदा जो तेरे से प्यार करता वही तो लिख सकता, और कौन लिखेगा? पता था मुझे सोने के तो होंगे नहीं, सोने के कंगन दिए हैं तेको किसी ने, वो लिखने के लिए था, कौन हीरो से ज्यादा, हीरो से ज्यादा कीमती है, वैसे नहीं है तू, 500 रुपए के 4 हैं, तू कभी तो सोच ले 250 रुपए का पेड़ है। मुझे सताया क्यों इस तरीके से, तलाक ले ले मेरे से, छोड़ दे फिर मेरे को, ये कर ले फिर मेरे को, वो कर ले फिर मेरे को। मैं देख रहा था कहीं कुछ लूज पॉइंट तो नहीं है जिससे तो कहीं हाँ हो सकता है, सारे के सारे मेरे को सारी जिंदगी अपनाते रहे, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, जो तुम्हारी तो तुम्हारे तो बिना बात के भी अगर मैं बोलूँ ना तो भी 2-4 लड़कियां निकल आएंगी। हाँ पहले का तो निकाह आ रहा कि नहीं आ रहा, सही से पता लगे, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक कंगन और कड़ा पहन के तैयार होके घूमती मास्ती हुई, अब पता लगा।
और गले का भी पता है फांसी का पन्ना बनाना है मेरे लिए। अगर ऐसा करती तो गला दबाए तो तेरा शुरू कर ऐसे उदास होके दिखा रहे, वैसे तो मैं ऐसा हो नहीं, थप्पड़ ही थप्पड़ बजा देते